गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ई लर्निंग सॉफ्टवेयर. ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 49 इफ यू हैव अ बुक, एंड इफ यू डज नॉट हैव अ बुक देन लिसन दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली. ओके, सो वी विल स्टार्ट. द ई लर्निंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आर यूज्ड बाय टीचर्स, ऑथर्स, कोचिंग वगैरह, क्रिएटिंग एंड अदर एक्टिविटीज. ओके, सम पॉपुलर ई लर्निंग सॉफ्टवेयर आर मॉडल, ओलेट, ई फ्रंट, H5P, चैमली, सेमिनार्स, उडमी, आर्टिकुलेट, उडासिटी, स्किल्सशेयर, इटीसी. दीज आर द फ्यू सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ई बैंकिंग. ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज एन टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ कस्टमर मे परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली एंड विड्रॉल. हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ट्रांजेक्शन या विड्रॉल कुछ भी बैंकिंग में, बैंक में इलेक्ट्रॉनिकली करे उसको ई बैंकिंग हम लोग बोल सकते हैं. ओके, वी इजली से दैट ई बैंकिंग अवेलेबल द बैंकिंग सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेजर बाय इंटरनेट इज कॉल्ड ई बैंकिंग. ये हम लोग इंटरनेट के प्रेजेंस में ही करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ई बैंकिंग बोला जाता है. ओके, द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द फॉलोइंग फॉर्म और अनदर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग: पर्सनल कंप्यूटर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, होम बैंकिंग, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड फोन बैंकिंग. दीज ऑल आर द टाइप्स. ओके, टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग. पीसी बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेस्टिनेशन. अभी जो सबसे ज्यादा यूज होता है. ओके, मोस्टली पीपल विल यूज द दिस टाइप ऑफ बैंकिंग. ओके, इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज इन इंटरचेंजेबली. अभी हम लोग भी यूज कर रहे हैं ई लर्निंग. ओके, जस्ट इट इज सिमिलर इन दैट वे. And in PC banking, it enables the customer to execute bank transaction from PC as a modem. Okay, in the most PC banking ventures, the bank offers a customer to property financial software that allows the customer to perform some financial transaction from his or her home. मतलब आप अपने घर से अपने ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट कर सकते हो. ओके, द कस्टमर देन डायल्स इन टू द बैंक विथ हिज और हर मॉडम, डाउनलोड डाटा एंड देन रन द प्रोग्राम दैट आर रेसिडेंट ऑन द कस्टमर्स कंप्यूटर एज पर हिज रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. जैसी जरूरत हो वैसा हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. ओके, इंटरनेट बैंकिंग समटाइम्स कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग यूजेज द इंटरनेट एज द डिलीवरी चैनल बाय विच टू कंडक्ट बैंकिंग एक्टिविटी. ओके, इसमें क्या होता है, हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग बैंकिंग एक्टिविटी को फुलफिल करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफरिंग फंड्स, पेइंग बिल्स, बिजली बिल्स, वाटर बिल्स, एवरीथिंग, सेविंग अकाउंट्स बैलेंस, चेकिंग एक्सेट्रा. दीज ऑल आर हैपन्स इन इंटरनेट बैंकिंग. ओके, द नेक्स्ट इज मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल बैंकिंग इज अ वायरलेस इंटरनेट बेस्ड सर्विस विच इज कॉमनली यूज नाउ डे. एवरीबडी कैन यूज द मोबाइल बैंकिंग. ओके, वी विल एक्सेस आवर अकाउंट विथ आवर टेलीफोन और मोबाइल फोन. ओके, now what is the procedure of opening an e-banking account? There are several ways to open and fund an electronic banking account in India. Okay, customers who have existing accounts at bricks and mortar bank want to begin using electronic banking service may simple ask their institution of the software needed to PC. or usme kya hota hai ki aap log ko password milega aur अकाउंट डिटेल के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा. जब उसको हम लोग फुलफिल कर देंगे तब हम लोग का नेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ई शॉपिंग. ई शॉपिंग इज अ वेरी पॉपुलर साइट नाउ डे विल बिकम. ओके, अभी तो मोस्टली पीपल ये यूज करते हैं. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉपिंग, ई शॉपिंग.
ऑनलाइन शॉपिंग, द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग डन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई शॉपिंग एंड बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कैन बी परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग एंड देयर आर मेनी फ्रॉड केसेस देयर आर मेनी फ्रॉड केस हैपेंस इन ई शॉपिंग ओके बट दीज आर वेरी इजी टू बाय एंड टू रिटर्न द थिंग्स वी कैन बाय बुक क्लोथ्स एवरीथिंग होम अप्लायंस इन ऑनलाइन शॉपिंग ओके Now next topic is what is the advantage of e-shopping? There are some reason behind the growing popularity of online shopping. Major reason to conduct, okay, is the convenience. For example, when a person at a brick and mortar store, see or he has to drive the store, find a parking place. उसके लिए parking place चाहिए. बिल्स एक्स्ट्रा हम लोग को करना पड़ेगा एंड सी लोकेट्स द प्रोडक्ट सी नीड उसको अपना प्रोडक्ट्स ढूंढना पड़ेगा एंड इट विल टेक टू टाइम्स ओके ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा जबकि हम लोग ऑनलाइन वे में इसको बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं ले सकते ओके एंड दे आर ओपन 24 आवर्स अ डे ये शॉप कभी बंद नहीं होता है ओके इक्वल एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या रहता है एक्सेसिबिलिटी सेम रहता है ओके देर इज लिटिल बिट डिफरेंस आप बोलोगे कि मैम फ्रॉड केसेस भी तो होता है तो फ्रॉड केसेस आप लोग अगर पॉपुलर साइट से नहीं मंगाओगे जो साइट जो है गवर्नमेंट के थ्रू परमिटेड टू ओपन देयर साइट उस साइट से अगर आप लोग करोगे तो नहीं होगा ओके फ्रॉड केसेस नहीं होते हैं ऑनलाइन स्टोर आर इक्वली एक्सेसिबल फॉर मेट्रो सिटीज टू नॉन मेट्रो सिटीज रिमोट एरिया जैसे हम लोग नॉन मेट्रो में रहते हैं तो हम लोग को भी ऑनलाइन शॉपिंग का क्या प्रॉफिट मिलता है आ जाता है सारी चीजें जो भी आप ऑर्डर करो द पर्सन कैन शॉप ऑनलाइन फ्रॉम अ ऑनलाइन स्टोर बींग एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर एवर द ऑनलाइन स्टोर कैन डिलीवर पर्सन जहां भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहे वो स्टोर उसको डिलीवर करेगा ठीक है ये इसका सबसे ग्रैंड बेनिफिट है ओके कि आपको घर में बैठे बैठे आपके सामान आ जाएंगे डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग सम पीपल लाइक द आइडिया ऑफ फिजिकल गोइंग टू स्टोर एक्सपीरियंसिंग द शॉपिंग प्रोसेस दे लाइक टू टच मर्सेंडीज ट्राई टू ऑन क्लोथ्स बी अराउंड अदर पीपल ऑनलाइन शॉपिंग डज नॉट परमिट शॉपर टू टच प्रोडक्ट और हैव एनी सोशल इंट्रैक्शन इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन को कुछ हम लोग जैसे इंसान को कुछ को ये आदत होता है कि दुकान में जाएंगे जो भी हम लोग लेंगे उसको टच करके उसको बार बार अलट पलट कर हम लोग चेक करेंगे कि अच्छा है कि नहीं है ये फैसिलिटीज हम लोग को ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलता है ओके इसमें इंट्रैक्शन नहीं होता है किसके बीच में सोशली साइट के बीच में और पर्सन के बीच में बस देखो और सिलेक्ट करो It also does not allow them to take the merchandise home the same day. They buy it. मतलब ये क्या करता है कि जो भी हम लोग अप्लायंस लेते हैं उसको सेम डे वो घर पे डिलीवर नहीं कर सकते जबकि हम लोग शॉप से जाकर सेम डे ला सकते हैं ओके और ये टाइम लेगा ये कुछ टाइम लेगा आपके घर तक आने में ओके अदर पीपल मे वरी अबाउट शॉपिंग ऑनलाइन बिकॉज दे फियर दे their credit and information will be compromised okay इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग ऑनलाइन बिल पे करते हैं तो इसमें फ्रॉड केसेस होने के भी चांसेस होते हैं जिससे बहुत सारे पीपल इससे भी डरते हैं कि उनका जो भी क्रेडिट वगैरह है वो किसी कोई हैक न कर ले ओके अगर कोई हैक कर लेगा तो फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगा इसी डर से कोई नहीं करते हैं दैट डिस्करेज सम कंज्यूमर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन शॉपिंग और ये क्या कर देता है डिस्करेज कर देता है कुछ कंज्यूमर्स को क्या करने से ऑनलाइन शॉपिंग करने से अनदर रीजन सम कंज्यूमर्स अवॉइड शॉपिंग ऑनलाइन इन इज फैक्ट दैट दे वुड वरी अबाउट दैट प्रोडक्ट दे परचेज आर नॉट एक्यूरेटली पोर्ट्रेट इन द वेबसाइट पिक्चर मतलब जैसा शो होता है पिक्चर पे वैसा हम लोग को एक्चुअल में नहीं मिल सकता है इसमें चेंजिंग
हो सकता है, ओके, क्वालिटी में या प्रोडक्ट में ऐसा होता है, ओके। इसलिए बहुत सारे पर्संस उसको ऑनलाइन शॉपिंग को बेटर नहीं समझते। दे वरी दैट द पिक्चर ऑफ एन आइटम मे अपीयर वन वे बट द एक्चुअल आइटम मे लुक कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें क्या होता है कि वो दिखने में अलग होता है, जब हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, जब हम लोग के पास वो आता है तो एकदम डिफरेंट लुक दे देता है। इससे भी वो लोग डरते हैं। अ कंज्यूमर हैज टू रिले ऑन बॉडी मेजरमेंट इन ऑर्डर। उसमें क्या, ये एक मेजर फैक्ट है जिसमें हम लोगों को अपना बॉडी मेजरमेंट जो है डालना पड़ता है, तभी हम लोग प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी कस्टमर्स को अपना एक्यूरेट बॉडी मेजरमेंट नहीं पता होता है, ओके। और इसमें क्या होगा, फिर क्लोथ्स आएंगे, अगर फिट नहीं हुए तो फिर आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। देयर इज There are few sites available. Flipkart is one of the most popular sites. India Time, Myntra, Jaipuri, Preferi, etc. App, Jansar, Amazon.in. These are the examples of few online shopping site. Okay. So here I will end the video, and on next day we will discuss about threats and security concern and e-reservation, okay?